हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से एफिलेटेड कॉलेजेस में किसी भी कोर्स के फर्स्ट ईयर में कोर्सेज के नाम आप देख सकते होंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी कृषि ऑनर्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कृषि विज्ञान, इसके अलावा बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम कंप्यूटर, बीकॉम वित्त और वित्तीय सेवा, इसके अलावा बीलिव यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और एलएलबी 5 ईयर, ठीक है, एलएलबी का जो 5 ईयर कोर्स होता है। इसके अलावा बीएलएड और विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स के फर्स्ट ईयर में नया एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप के लिए आज लास्ट डेट है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करने की। इसके बारे में ऑलरेडी कई बार वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूँ कि 31 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स, आपका कोई भी भाई बहन, आपका कोई भी यहाँ पर फ्रेंड्स एडमिशन लेना चाहता है इन कोर्सेज में, तो आज यानी कि 31 अगस्त तक अपना जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आप उसे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से फिल करके कल 1 सितंबर तक, जी हाँ दोस्तों, कल 1 सितंबर तक आपको वो फॉर्म उस कॉलेज में ले जाकर जमा करना होगा जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अन्यथा फिर आपको बाद में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। आज फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। यूनिवर्सिटी पहले से एक बार डेट बढ़ा चुकी है और अब डेट एक्सटेंड होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। फिलहाल आप देख सकते होंगे ये पूरा जो नोटिस है यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया, आप देख सकते होंगे महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली की तरफ से। ये जो एडमिशन है ये संस्थागत, मतलब केवल रेगुलर स्टूडेंट्स के एडमिशन हो रहे हैं। प्राइवेट वाले कोई भी स्टूडेंट्स अभी अपना फॉर्म फिल करने की कोशिश ना करें, प्राइवेट एडमिशन दिसंबर या फिर जनवरी में होंगे। तो आज लास्ट डेट है ऑनलाइन एडमिशन के लिए रजिस्टर करने की और कल तक 1 सितंबर तक आप अपना जो फॉर्म है अपने संबंधित कॉलेज में जमा करेंगे जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेट देख पा रहे होंगे 31 अगस्त ये ऑनलाइन पंजीकरण की लास्ट डेट है और ये 1 सितंबर ये अपने संबंधित कॉलेज में पंजीकरण पत्र, मतलब जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो जमा करने की लास्ट डेट है। 6 सितंबर से आपके जो एडमिशन होना है वो स्टार्ट हो जाएंगे। 6 सितंबर से आपके कॉलेजेस में जो मेरिट लिस्ट हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। प्राइवेट कॉलेजेस में आपका एडमिशन विदाउट मेरिट के ही हो जाता है क्योंकि वहाँ कोई भी यहाँ पर बाउंडेशन नहीं होती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो सीट से ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर मेरिट लिस्ट लगाई जाती है। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को सभी भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।